पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। बस मुद्दा था सिर्फ पूर्णिया का बेटा पप्पू को फिनिश करो। विपक्ष के राजा है, उन्होंने सारे क्रिमिनल को बता दिया। पूर्णिया कल्चर का भी इतिहास लिखेगा, पूर्णिया नफरत का भी जवाब देगा, पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा पूर्णिया का सीमांचल कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज आवाज से लेके सब जगह चुनाव है, लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। इतने नफरत, इतनी गंदी राजनीति, देश के पीएम से लेके सीएम और विपक्ष एक व्यक्ति को समाप्त करने की राजनीति, एक व्यक्ति को मिटाओ, एक व्यक्ति को समाप्त करो। मतलब यहाँ जनता की लड़ाई नहीं, यहाँ पर कोई विकास का मुद्दा नहीं था, बस मुद्दा था सिर्फ पूर्णिया का बेटा पप्पू को फिनिश करो। और पूर्णिया का हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, भारत के हर लोगों का ब्लेसिंग, हर लोगों का आशीर्वाद और हर पार्टी का वर्कर का ब्लेसिंग पप्पू यादव के साथ हो। कल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप ही बताइए ना, गारी सी जी कैंडिडेट का प्रोचित था, डीएम साहब ने जिस तरीके का व्यवहार किया, 50,000 रुपया एक विपक्ष के राजा है, उन्होंने सारे क्रिमिनल को बुला लिया और सारे सजा अब तक क्रिमिनल को बुला के मेरी माँ बहन को बाप को गाली दिलवाना हो यह कहना कि यदि उसके खिलाफ लड़ोगे तो घर में ढुक के मार देंगे, तो ये तो सबको पता है। उसके बाद लगातार यहाँ पर कैंप किए सभी लोग और एक ही बात की, किसी कीमत पर जदयू को जिता दे। पूर्णिया की माँ बेटी जो आईटीएन है, बेंगलोर में रहती है, वोट गिराने आ गई यहाँ पर। अभी सब लोग भवन आए, बोले पहले हम वोट गिराने आए हैं। विदेश से लोग कह रहे हैं कि जाओ पूर्णिया जाके वोट गिरा के आओ। सर अब क्या चाहिए, इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए? अब आप देखिए ना, आज तक आज तक किसी की पप्पू पप्पू बढ़ाने के लिए करना चाहेंगे। मैं पूर्णिया की जनता से कहूँगा कि ये लोकतंत्र बचाने के लिए और अपने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री बना, इसके लिए एक एक माँ बहनों को घर से निकलकर मतदान केंद्र पर जाकर लोकतंत्र और इस पवित्र महापर्व के भागीदार बने। और न्यू वोटर से कहेंगे कि आप आज छोड़ दीजिए सभी सोशल मीडिया पर, वोट गिराइए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।